यह रुपोली विधानसभा जदयू एनडीए का निश्चित रूप से उनके नाम से जब असर हुआ करता है, उनके काम से असर हुआ करता है, वो अंदाजा लगा हुआ जनता मेरे साथ कितने सद्भावना और स्नेह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं अमित सिंह। इस वक्त हम रुपोली विधानसभा सीट अंतर्गत भवानीपुर बाजार में हैं और आगामी 10 जुलाई को रुपोली विधानसभा सीट को लेकर के उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं 13 जुलाई को मतगणना भी है जिस दिन परिणाम सामने आ जाएगा। इसी बीच हमारे साथ जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल हैं जो कि इस सीट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं और जानेंगे इनसे कि क्या इनकी रणनीति है इस सीट को लेकर के। ये रुपोली विधानसभा सीट को लेकर के चुनाव होने जा रहा है, क्या सीट का समीकरण है? देखिए, सर्वप्रथम तो पहला मुद्दा है कि यह चुनाव 2025 में होना था, लेकिन वर्तमान जो यहाँ के विधायिका थी उनके चलते यह चुनाव उपचुनाव के रूप में यहाँ आवश्यक हो गया और जनता में इस बात की काफ़ी तकलीफ है। लोग इसे अनावश्यक परेशानी के रूप में मान रहे हैं और यह बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग अस्थिर गंभीर या किसी अच्छे लोग को चुनने का बात कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी या कई एनडीए पार्टी के सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है, टिकट मिला है और यह रुपोली विधानसभा जदयू एनडीए का क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोग नीतीश बाबू के विकास कार्य, शांति प्रिय व्यवस्था, बच्चों का शिक्षा, बच्चियों के लिए साइकिल योजना, इस सब लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, उनके प्रति विश्वास है, तो लोग उनको जिता कर भेजने का काम करेंगे। आपके प्रचार में स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे रुपोली। देखिए, कोई भी पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनका जिम्मेदारी होता है कि जो हमारा प्रत्याशी है उनका सहयोग करना, उन्हें परामर्श देना उनका जिम्मेदारी होता है। उनके आने से क्या असर करेगा इस क्षेत्र के जनता? निश्चित रूप से उनके नाम से जब असर हुआ करता है, उनके काम से असर हुआ करता है, जब वह स्वदेह यहाँ आए, लोगों के बीच में अपने कार्य का चर्चा किए, लोगों को भविष्य के लिए कुछ काम करने का वादा किए, तो मतलब असर नहीं होने का कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। एनडीए के भी बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। स्वाभाविक है, अभी इस एनडीए में 5 दल शामिल हैं, तो 5 दल का जिम्मेदारी हो जाता है इस चुनाव को जीतने का। क्या लग रहा है, ये सीट आप जीत पाइएगा? निश्चित रूप से 110% हम जीतेंगे। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। कोई आपको आपके ऊपर हो, प्रतिद्वंदी हो, आपको जो परेशान? हमें तो कोई प्रतिद्वंदी नज़र नहीं आ रहा। जनता का, अगर आप आज गए होंगे इस जनसभा में, माननीय मुख्यमंत्री या कहिए एनडीए के इस सभा में, तो जनसैलाब से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि जनता मेरे साथ कितने सद्भावना और स्नेह के साथ। क्या दावा है, कितने मत से आप विजय घोषित होइएगा? देखिए, कितने मत से या तो गिनती के पहले नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि अधिक से अधिक मत से जीत होगी। जैसा कि हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल थे, उन्होंने बताया है कि अधिक से अधिक मत से वो जीतेंगे रुपोली विधानसभा सीट को। बने रहे हमारे साथ बिहार तक।